स्वागत है आप लोगों का RMC मैथ्स की कॉन्सेप्ट सीरीज में। आज है डे 29 और आज हम लोग हिरॉन्स फार्मूला देखेंगे। बहुत जगह एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हिरॉन्स फार्मूला का यूज़ करना पड़ता है, जहाँ पर आपको किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स दिए और वो एक स्केलिन ट्राइंगल है, जिसका मतलब तीनों साइड डिफरेंट है। वैसे तो जनरल फार्मूला जो एरिया फाइंड आउट करने का होता है ट्राइंगल का, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर हम हाइट कैलकुलेट नहीं कर पाएँ क्योंकि वो स्केलिन ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स अलग हैं, तब हम हिरॉन्स फार्मूला यूज़ करते हैं। और हिरॉन्स फार्मूला कहता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, रूट के अंदर यहाँ पर ये जो ए बी सी हैं वो तो किसी ट्राइंगल की साइड्स हैं, ठीक है, और एस है इज नथिंग बट हाफ ऑफ सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, ओके, आप सारी साइड्स का सम करोगे, उसका हाफ करोगे, यू विल गेट व्हाट, एस। फिर आप एस जब निकालोगे तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाल के उसका रूट निकालो, मल्टीप्लाई करके, यू विल गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। आपसे पूछा है यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हु साइड्स आर। ठीक है, तो इस तरीके का ट्राइंगल है सपोज, और इसकी साइड्स आपको दी है 13, 14 और 15 सेंटीमीटर। तो आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है ए इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो इट्स बेटर कि सबसे पहले आप एस कैलकुलेट कर लें। एस होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी, जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं फॉर्मूले में, पहले वो कैलकुलेट कर लें। इट्स गोइंग टू बी 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 29 और 13 इट्स गोइंग टू बी 42 और अपॉन 2 इट्स गोइंग टू बी 21। ठीक है, 21 आ गया है s, तो आपका जो s माइनस ए होगा इट्स गोइंग टू बी 21 माइनस 13, s माइनस बी इज गोइंग टू बी 21 माइनस 14 एंड s माइनस सी इज गोइंग टू बी 21 माइनस 15। ठीक है, तो ये जो माइनस 13 करोगे तो यू विल गेट 8 और यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली एरिया कैलकुलेट अगर आपको करना है तो एरिया इज नथिंग बट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अब आपने सारी चीज़ें निकाल ली, अंडर रूट के अंदर एस, एस कितना आया मेरा 21 इंटू एस माइनस ए दैट इज 8 इंटू एस माइनस बी दैट इज 7, एस माइनस सी दैट इज 6। सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि रूट के अंदर से पेयर बाहर आते हैं, तो 3 इंटू 7 लिख सकते हो आप 21 को, और 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दिया इंटू 7 और इंटू 2 इंटू 3। ओके, पेयर बाहर निकालते हैं, सबसे पहले 3 और 3 का पेयर है बाहर निकल गया, 7 और 7 का बाहर निकल गया, और फिर 2 2 एक पेयर बाहर निकला, फिर 2 और 2 एक पेयर और बाहर निकला। ओके, सो 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, 42 2 ज़ा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, सो डू रिमेंबर वेन एवर यू आर नॉट एबल टू फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल, ताकि आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फार्मूला ना लगा पाएँ, और जब साइड्स दी हैं तीनों अलग अलग वहाँ पर हिरॉन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं। कभी कभी पैरेललोग्राम का भी एरिया निकालने के लिए हिरॉन्स फार्मूला का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हम एक पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल्स में, दो स्केलिन ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय बाय, सी यू सून, जय हिंद।